हेलो दोस्तों, आज के 20, 22 और 25 साल के लड़के अपनी लाइफ को पबजी, फ्री फायर जैसे गेम में बर्बाद कर रहे हैं। उनसे ढंग से न तो पढ़ाई होती है और फिर जॉब के लिए अपनी किस्मत को कोसते हैं। आज उन सभी के लिए मैं एक कहानी लेकर आया हूं, जो उनके गाल पर एक तमाचा है। जी हाँ दोस्तों, बीटेक चाय वाली वर्तिका सिंह की स्टोरी, जो आपको अपने लाइफ में क्या करना है इसके लिए एक मिसाल है। तो दोस्तों चले करते हैं शुरू से बात। इससे पहले मैं स्वागत करता हूं आपको अपने यूट्यूब चैनल में। अगर आप हमारे चैनल नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें। टाटा से बड़ा कोई लोहार नहीं है और बाटा से बड़ा कोई कुछ नहीं है। फिर कर जाओ, सोचना क्या है। सोसाइटी और समाज का मत सोचो, बस कर जाओ। लहरों से डर के नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। बिहार के एक छोटे से शहर में पैदा हुई वर्तिका अपने स्कूलिंग अपने ही शहर से पूरी की और बचपन से ही इनका सपना अपने लाइफ में कुछ बड़ा करना था। वर्तिका ने अपने स्कूलिंग और कॉलेज अपने ही शहर से पूरी की और फिर वर्तिका अपने शहर से बाहर निकलकर अपने दोस्तों के साथ फरीदाबाद सेक्टर 43 में आकर शिफ्ट हो गई। उन्होंने यहाँ फरीदाबाद में एक अच्छे से कॉलेज ढूंढकर उनमें एडमिशन लेकर बीटेक की पढ़ाई करना शुरू कर दी। लेकिन वर्तिका अपने लाइफ में कुछ करना चाहती थी। वर्तिका MBBS चाय वाले से इंस्पायर होकर चाय का ठेला लगा ली, क्योंकि उनको कम इन्वेस्टमेंट में कुछ अलग शानदार और अपना खुद का स्टार्टअप शुरू करना था। वर्तिका ने बताया है कि उन्हें किसी के अंडर रहकर काम करना पसंद नहीं है। वर्तिका अपने शॉप को दिन रात मेहनत कर एक बड़ा शॉप बनाना चाहती है और साथ ही अपने बेटे की पढ़ाई भी कर रही है। उनकी मेहनत, साहस और जज्बे को लोग देखकर हैरान हो गए। वर्तिका ने बताया है कि लोग क्या कहते हैं इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि लोगों का काम सिर्फ कहना होता है। दोस्तों मैं आपको वर्तिका की एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। वर्तिका ने अपने शॉप को शुरू करने के लिए अपने पेरेंट्स को बिना बताए शुरू किए हैं। वर्तिका की एक सोशल मीडिया साइट है जहाँ पर वर्तिका अपने लाइफ के बारे में बताती रहती हैं। उनकी सोशल मीडिया लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। तो दोस्तों ये कहानी ना ही तो फिल्मी है और ना ही बनावटी है। अगर कुछ है तो सिर्फ वर्तिका की साहस और जज्बे का एक खुद आत्मनिर्भर होकर अपने लाइफ में आगे बढ़ना। दोस्तों चाय वाली वर्तिका एक न्यूज पेपर में हेडलाइन बनकर भी आई है। दोस्तों इसी तरह की स्टोरीज को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब तो जरूर करें। फिर मिलेंगे दोस्तों इसी तरह की एक और इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ। गुड बाय।